मैं पहले डायलॉग पढ़ लेता हूँ, मैं तो उतावला हो रहा हूँ। हेलो, कौन? देवी? अरे देवी प्रसाद नहीं है रे बाबा। कौन? स्टार? अरे तेरा मच्छी में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, जा फोन रख, फोन रख। लेजेंडरी लेजेंडरी लाइंस है, बहुत बम्फाड़ लौंडा है। हमें कुछ अलग दिखाना है, हमें ये ब्रूटैलिटी के लेयर्स के बीच में जो गुमराह किए हुए जवान लड़के हैं उनकी झलकी देखनी है। इतने बखूबी से ये दुनिया बनाई, ये किरदार बनाए, जो मतलब हम ज़्यादातर सिनेमा में देखते नहीं है। सर्टनली इंडियन सिनेमा में हम ज़्यादा देखे नहीं है, एटलीस्ट पिछले कई सालों में। Hi, my name is Aditya Rawal and you're watching Filmy Beat. Hello everyone, मैं हूँ सुरभि रणसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है आदित्य रावल, आपका स्वागत है फिल्मी बीट में। सबसे पहले तो हाय सुरभि जी, थैंक यू। एक छोटा सा सेगमेंट है जिसमें कुछ डायलॉग्स हैं, वो आपको पहचाने की डायलॉग कब और किसने कहा था। और मैं बहुत खराब हूँ सब में, तो मतलब मुझे मेरे ये सब में तो मतलब मैं खुद को एम्बैरेस कर दूंगा। नहीं, वही तो दिक्कत है, कुछ फेमिलियर बोलेंगे, कुछ बहुत फेमस बोलेंगे, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता और फिर मैं खुद को एम्बैरेस कर दूंगा। बट प्लीज बताइए, ऐसा होगा नहीं? ओके, सो ये डायलॉग्स हैं। बहुत बम्फाड़ लौंडा है इज डायलॉग फ्रॉम माई फिल्म बम्फाड़, जो हमने जो एक्चुअली जाहिद नाम का कैरेक्टर है जो जतिन सरना प्ले कर रहे हैं, और वो जब मेरी बात कर रहे हैं विजय वर्मा के कैरेक्टर जिगर फरीदी को, तब वो कहते हैं कि भैया ये बहुत बम्फाड़ लौंडा है। और बाद में जो बम फटता है पिक्चर में वो तो आगे हम सबको पता चल ही जाता है। दूसरा है ये कमाल की लाइन है, और ये एक्चुअली जो है ना जो हम बम्फाड़ के राइटर हंजला शाहिद सिद्दीकी और डायरेक्टर रंजन सिंह चंदेल, उनका ये अंदाज जो मतलब एकदम कमाल का अंदाज है, उन्होंने मेरे पिताजी का जो कैरेक्टर लिखा है, मैं पहले डायलॉग पढ़ लेता हूँ, मैं तो उतावला हो रहा हूँ। बाहर से घोष्ट खाकर ज़रूर आया कीजिए, पर हड्डी गले में अटका कर तो मत आया कीजिए। तो वो कह रहे हैं कि यार देखो, आप बाहर जाके आप जो करना चाहो आप कर लो, या आपको जो मस्ती मजाक करना है आप कर लो, लेकिन वो एम्बैरेसमेंट घर तक नहीं पहुंचना चाहिए, जो बहुत बड़ी बात है। और वो जो कैरेक्टर उन्होंने लिखा है पिताजी का कैरेक्टर बम्फाड़ में, ये सच एन अमेजिंग रियलिस्टिक कैरेक्टर इन द सेंस दैट ही इज़ नॉट योर अथॉरिटेरियन फादर, जो बोलते हैं कि मतलब डंडा लगाने वाले बाप हो एक ही हो, वो सही है। वो एकदम मतलब अपने बेटे को स्पेस देता है, क्योंकि वो यंग मैन की नीड समझते हैं और वो यंग मैन के डिज़ायर समझते हैं और यंग मैन की खुराफातें भी समझते हैं वो। बट वो कहते हैं कि थोड़ी चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। तो वो ऐसे पिताजी हैं जो तुमको इंडल्ज करेंगे, लेकिन एक लाइन आएगी और वो लाइन क्रॉस नहीं हो सकती, हरगिज़ नहीं हो सकती। तो वो बात जो है ना, मतलब वो बहुत वो राइटिंग में है। विजय कुमार सर जिन्होंने ये किरदार निभाया है, उनकी परफॉर्मेंस में भी आ चुका है, बहुत बहुत सुंदर चीज़ है वो। कूतरे साला देख के नंबर डायल कर और उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं इन दोनों को उठा ले। ये तो मतलब ऑफकोर्स लेजेंडरी लेजेंडरी लाइन्स है हेरा फेरी के। हम लोग ने काफ़ी बार देखी थी एक्चुअली। ये ऐसी पिक्चर थी क्योंकि बचपन में तो पिताजी बहुत सारी पिक्चरें करते थे, मैं सारी पिक्चरें तब देखता भी नहीं था। लाइक आई सेड, मेरे क्रिकेट फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो हम हर मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स हम एक बार कभी देख लेते थे। ये पिक्चर फॉर सम रीज़न हम एज अ फैमिली हम थिएटर में 3 बार गए थे। शायद हमें बहुत मज़ा आया था, या शायद वो धीरे धीरे वो स्लीपर हिट हुई थी, यू नो। वो ऐसे नहीं था कि मतलब कोई बम्पर ओपनिंग, और वो धीरे 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 बढ़ती गई। तो हम पहले हफ्ते में एक बार शायद गए होंगे, देखा, मज़ा आया, ठीक है। बाद में सुना कि भैया दूसरे हफ्ते में तो और भी हाउसफुल चल रहा है, तो चलो देखने जाते हैं। तभी देखा तो मतलब क्राउड को भी इतना मज़ा आ रहा है, हमको भी देख के ऐसा मज़ा आया। फिर तीसरी बार तब तक तो पता चल गया था कि भाई ये तो कुछ, ये पिक्चर हिट फ्लॉप तो बहुत सारी पिक्चरें होती है, ये पिक्चर कुछ और है, यू नो। तो वो मेमोरी एक्चुअली काफ़ी काफ़ी स्पेशल थी। हेलो, कौन? देवी? अरे देवी प्रसाद नहीं है रे बाबा। कौन? स्टार? अरे तेरा मच्छी में मस्त तेल में फ्राई करके खा गया, जा फोन रख, फोन रख। अमेजिंग।
ऐसे फर्क पता नहीं चला. थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं. मैं काफी काफी समय से नहीं किया है तो थोड़ा कच्चा है, माफ कीजिएगा. बट वो एक बार लाइनें पकड़ में आ जाती है तो वो भी हम कभी कभी नकल उड़ा देते हैं. अमेजिंग. फराज का कोई डायलॉग आप जो ऑडियंस के लिए बोलना चाहेंगे? फराज का मैं आई डोंट थिंक इट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म जो मैं अगर डायलॉग कहूँगा तो इट माइट जस्ट टेक अवे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द फिल्म. बट आई विल से दैट आपने जो ट्रेलर में डायलॉग्स देखे हैं या डायलॉग प्रोमोज में जो डायलॉग्स देखे हैं, दैट इज़ जस्ट अ ग्लिम्प्स ऑफ वॉट आर स्टोरी इज टेलिंग. यू नो, इट इज़ जस्ट an entry point into the point, the larger point that we're making. So I just hope ki log theater ja sake, picture dekh sake, aur you know use pasand kare, aur uske baad agar vartalab ho to wo bahut zaruri vartalab hai, bahut zaruri discussion hoga, and you know we will be glad and grateful to have sort of stirred the pot and created that discussion as well. आपकी फिल्म आई है फराज, जिसे ऐसा होता है कि सबसे पहले लोग ये वेट करते हैं कि हीरो क्या करेगा, हीरो कैसा होगा, यू नो. लेकिन आपने जो कैरेक्टर निभाया है उसकी इतनी तारीफ हो रही है, और ऐसा होता है ना कि नेगेटिव रोल को भी पॉजिटिवली देखा जाता है जब उसे वैसा निभाया जाता है. सो आपको कैसे कमेंट्स मिल रहे हैं और कैसा लग रहा है आपको? मतलब रिएक्शन तो कमाल का ही रहा है पिक्चर को लेके, हमारे सारे परफॉर्मेंसेस को लेके. यू नो, जूही मैम, जहान के, सचिन ललवानी जो, और एक जो मेरे साथ है रोल कर रहा है टेररिस्ट का, सारे परफॉर्मेंसेस को इतनी तारीफ मिल रही है. पिक्चर के थ्रू जो हम बात करना चाह रहे हैं वो भी समझ में आ रही है बातों ऑडियंस को. तो आई थिंक इट इज़ जस्ट हम्बलिंग, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस. और आपने जो बात करी है यू नो वो परफॉर्मेंस की, या तो आप एंटेगनिस्ट की परफॉर्मेंस अगर आप कहे, तो ये सब जो है ना, ये सर को मैं पहले दिन मिला था ना, हंसल सर को, तब भी उन्होंने यही बात बताई थी कि हमने बहुत नारेबाज टेररिस्ट, वन नोट जो नारेबाज सिनेमैटिक टेररिस्ट होते हैं वो बहुत देख लिए, वो नहीं देखना हमें, हमें कुछ अलग दिखाना है. हमें ये ब्रूटैलिटी के लेयर्स के बीच में जो गुमराह किए हुए जवान लड़के हैं उनकी झलकी देखनी है. तो वो ऑलरेडी बात सर ने भी करी थी और वो स्क्रिप्ट में भी पहले ड्राफ्ट से ही मौजूद थी. तो ये सारा जो क्रेडिट है, मैं तो इनफैक्ट मैं हंसल सर को ही दूंगा, और राइटर्स को कश्यप कपूर, राघव कक्कड़ और रितेश शाह सर, जिन्होंने मतलब इतने बखूबी से ये दुनिया बनाई, ये किरदार बनाए, जो मतलब हम ज़्यादातर सिनेमा में देखते नहीं है, सर्टेनली इंडियन सिनेमा में हम ज़्यादा देखे नहीं है, एटलीस्ट पिछले कई सालों में. अच्छा, अगर परेश रावल सर की बात करें, जो वो किसी भी मूवी में आते तो सारी लाइमलाइट छीन लेते हैं, तो आप कुछ प्रेशर फील करते हैं? क्योंकि जब ये ट्रेलर लॉन्च था तो वहाँ पे हंसल सर ने कहा था मैंने दो नेपो किड्स को कास्ट किया है, हालांकि वो बहुत अपफ्रंटली वो चीज़ें बोलते हैं, तो क्या आप प्रेशर फील करते हैं? नहीं, इन द सेंस दैट हमें पता है कि हमको तो अपना काम ही करना है. अपने पिताजी या मम्मी के बेटे होने के बहुत ज़्यादा ही फायदे हैं इंडस्ट्री में, कोई भी बिजनेस में. आप अगर आपके माता पिता वो बिजनेस में हो तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है, एक्सेसिबिलिटी भी आपकी बेहतर हो जाती है. लेकिन हमें पता है कि बहुत जहान मुझे दोनों को पता है कि हमको अपना ही काम करना है, और हम एक दो पिक्चर में काम करेंगे उसके बाद तो हमें अपने ही पैरों पे खड़े होना है. वो जो आदित्य रावल, परेश रावल सन जो ब्रैकेट्स में आता है, उसके बाद वो हट जाएगा थोड़े दिनों बाद, यू नो, थोड़ी पिक्चर बाद, और तब क्या हमारा काम हमारे लिए बोल पाएगा या नहीं, यू नो. तो वो एक बात है. आई वुड ऑल्सो से दैट आई थिंक हंसल सर जो थॉटफुल आदमी है, वो ही वॉज वेरी मच टंग इन चीक, यू नो, ही वॉज जोकिंग, बिकॉज I don't, if he didn't believe in us or if he didn't believe in the work that we did, he wouldn't have even said that on the stage, you know. So I think in a way, wo ulta agar main loo to it is actually it was heartening to see him say that he's comfortable enough about this to be able to joke about it, because he knows ke ladkon ne theek thaak kaam kiya hoga, hai na.
और कैसा एक्सपीरियंस है हंसल सर के साथ काम करने का? कितने वो स्ट्रिक्ट हैं या कितने वो उनके साथ फन है काम करने में, या डांट भी लगा देते हैं, तो कैसा था? अरे वो बहुत कमाल के इंसान है वो, मतलब उनके साथ काम करना, ही इज़ वेरी फ्री, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम, बट विद दैट फ्रीडम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है अगर ये इंसान आपको फ्रीडम दे रहा है तो आपको मतलब वो ट्रस्ट आपको रीपे करना है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा. ऑफकोर्स वो कभी कभी हमको डांट वाट भी देते थे, स्पेशली हमारे लड़कों में एक दो कमाल के सवाल पूछने वाले लोग थे, तो उनके जब भी गलत समय पे गलत सवाल आ जाते थे तो डंडा पड़ जाता था. बट इट वाज ऑल इन लव एंड ऑल विद ग्रेट अफेक्शन, कि आपको पता है कि यू नो नॉट ओनली इज़ ही लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट फॉर हिज फिल्म, बट इज़ लुकिंग आउट फॉर द बेस्ट फॉर यू. तो ये उनके साथ ये जो लंबी जर्नी पर गए हम लोग, मतलब ही इज़ जस्ट, आई एम जस्ट ग्रेटफुल दैट आई गॉट अ चांस टू वर्क विथ हिम, एंड आई होप कि आगे भी भविष्य में मौका मिले. जैसे कि आपने कहा भविष्य में मौका मिले, और आपने ये भी बताया कि उनका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा आपको पसंद है, तो अगर वो सीजन टू अपने किसी प्रोजेक्ट का बनाते हैं तो किसका आप हिस्सा बनना चाहेंगे? मतलब आप कौन सा भी बोल दो, मैं तो तैयार हूँ. मैं तो एक मेरा फ़ोन बज जाए, सर का फ़ोन आ जाए, मैं चले जाऊँगा, जैसा झोला पकड़ के कहीं भी चले जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ सर के साथ. जानते इस फिल्म के बाद जो डेफिनेटली जो ऑडियंस है, फैंस है, बहुत बेसब्री से आपके अगले प्रोजेक्ट का भी इंतज़ार करने वाले, तो आप बता दीजिए कि क्या कुछ यू नो पाइपलाइन में है. तो काफ़ी चीज़ों को लेकर मैं एक्साइटेड हूँ. एक अमेज़ॉन का शो है जिसका मैं हिस्सा हूँ, तो वो आई थिंक मिडल ऑफ द ईयर तक आ जाना चाहिए. एक पिक्चर लिखी है जियो स्टूडियोज़ के साथ, तो वो भी होपफुली इन द मिडल ऑफ द ईयर तक आ जाएगी. वो स्क्रिप्ट मैंने जब मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब मैंने लिखी थी, जब मेरी प्रोफेसर इंडियन स्क्रीन राइटर्स सबरीना धवन मेरी प्रोफेसर थी, तो उनकी क्लास में मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी थी. एंड ऑफकोर्स वी डिवेलप्ड इट ओवर द ईयर्स एंड फाइनली इट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट, तो उसको लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. बाकी आगे बातें चल रही है, एक नाटक भी चालू करने वाला हूँ मैं अभी, आध्यम का एक अंग्रेज़ी नाटक है, तो वो अप्रैल में स्टेज पर उतरेंगे. और बाकी तो बातें चल रही हैं, होपफुली कुछ अच्छा काम मिलता रहे और भविष्य में भी अच्छा काम कर पाए. थैंक यू सो मच आदित्य हमसे बात करने के लिए, इतना कीमती समय देने के लिए, और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. लास्टली ऑडियंस से आप क्या कहना चाहेंगे? बस जैसे मैंने कहा, प्लीज़ थिएटर में जाके फराज देखिएगा. ये लगन, मेहनत, प्यार, मोहब्बत से बनाई गई पिक्चर है, सेंसिटिविटी के साथ बनाई गई पिक्चर है, एंड आई होप कि आपको देखे पिक्चर और आपको अच्छी लगे. थैंक यू.